अमरकंटक में भाजपा पदाधिकारी युवा व व्यापारियों ने नगर परिषद एवं थाना में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश द्विवेदी, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सूरज साहू, मंडल अध्यक्ष रोशन पनारिया, मंडल महामंत्री अभिषेक द्विवेदी सहित कई अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता, खिलाड़ी बंधु एवं व्यापारी उपस्थित रहे। इस दौरान बताया गया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन व पर्यटन मंत्री के नाम नगर परिषद अमरकंटक व थाने में ज्ञापन सौंपा गया। देखिए विपुल कुमार की एक खास रिपोर्ट। पगया है आपके द्वारा किन किन विषयों पर मांग की गई? सबसे प्रमुख विषय है अमरकंटक में जो दुकानें हटाई जा रही हैं, मंदिर में जो व्यापारी रहते, व्यापारी दुकान खोले हैं मंदिर के आसपास, उनकी दुकान हटा रहे हैं। नोटिस जारी हुआ, उन लोग हम लोग के पास में आए और हमसे अपनी पीड़ा बताई। हमने जो इस विषय को लेकर CMO साहब से बात किया और CMO साहब ने हमको आश्वासन दिया कि उनकी दुकान नहीं हटाई जाएगी जब तक उनको यथा अच्छी जगह न मिले जहाँ से उनकी दुकान चलेगी। वैसी जगह जब तक न मिलेगी तब तक न हटाई जाएगी। विषय हमारा ये था कि अमरकंटक में ग्राउंड, मुख्य ग्राउंड जो बच्चे जहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और उस ग्राउंड को जो है यहाँ पर बंद किया जा रहा है, बाउंड्री बनाई जा रही है, और उससे फिर पीढ़ी, युवा पीढ़ी फिर जहाँ कहाँ जाकर क्रिकेट खेलेगी, कहाँ पे फुटबॉल खेलेगी, और युवा पीढ़ी फिर क्या करेगी, नशे की ओर जाएगी, और युवाओं को जो है कोई जगह भी नहीं रहेगी खेलने के लिए। और अमरकंटक में एक ही ग्राउंड है जिसमें जो है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। इस सब का हमने ज्ञापन सौंपा भी। सौंपा है आप लोगों ने नगर परिषद में, CMO साहब को क्या कहना? CMO साहब का आश्वासन है कि दुकान जो हटाए जा रहे हैं वो नहीं हटेंगे, लेकिन मेन मुद्दा है अमरकंटक का जो हृदय स्थल है ग्राउंड। लगभग 100-150 वर्षों से अमरकंटक के युवा वहाँ पे खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको जो है पूरा फेंसिंग करके जो जिस तरीके से बांधा जा रहा है वो नगर के लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि पूरा कंक्रीट का जो माया जाल फैलाया जा रहा है, लगातार बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है। अमरकंटक में वृक्ष चाहिए, बिल्डिंग नहीं, वृक्ष जरूरी है। सबसे पहले तो मंदिर के आसपास जो प्रसाद की दुकानें हैं और उनको नोटिस दी गई है कि आप लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा और उस जगह का दूसरा उपयोग होगा। तो पहले तो CMO साहब ने आश्वासन दिया है कि जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे, हमारी नए जो जगह वो देंगे, तो तब तक आप लोगों को हटाया नहीं जाएगा। तो इसके कारण जो है आज व्यापारी संघ में एक जो है खुशी की लहर आई है, नहीं तो अभी तक वो परेशान थे। दूसरा, हम लोगों ने जो आज ज्ञापन CMO साहब को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पर्यटन मंत्री हमारी, उनके नाम पे भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि एकमात्र खेल का मैदान है अमरकंटक में, जो हमारी युवा पीढ़ी और छोटे बच्चे से लेकर युवा पीढ़ी तक वहाँ अपना जो है मनोरंजन करते हैं, खेलते हैं। तो उसमें जो है प्रसाद योजना से निश्चित वो एक विकास कार्य में ही है, काम हो रहा है, लेकिन वो अपना जो स्थान है उस ग्राउंड के अलावा कहीं दूसरी जगह जो है चयन करें और अपना विकास कार्य करें। वो एकमात्र स्थान है अमरकंटक का जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, युवा पीढ़ी खेलती है, जहाँ हमारे टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का कह लीजिए आप या फुटबॉल का कह लीजिए। तो उस स्थान को जो है हम लोगों ने शासन प्रशासन से आग्रह किया है कि उस स्थान का चयन ना करके दूसरा कोई अच्छा स्थान का चयन करें विकास कार्य के लिए, और उस स्थान को जो है सेपरेट जो है खिलाड़ी बंधुओं के लिए रखा जाए। है कि विगत कई सालों से अमरकंटक के खिलाड़ी बंधु पहले तो स्टेडियम की मांग कर रहे थे, स्टेडियम की मांग तो पूरी हुई नहीं, लेकिन जिस मैदान में अपन लोग खेलते आ रहे थे अभी इतने सालों से, उस खेल मैदान को भी शासन के द्वारा उसको अपने कब्जे में लिया जा रहा है फेंसिंग करके। अब बात यह हो गई कि जो खिलाड़ी बंधु हैं गांव के, एक तो वैसे भी पूरा नगर नशे में चूर हो चुका है, कुछ जो बचे हैं वो खेल खेल रहे हैं, खेल की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं, आगे हो रहे हैं, उनका भी खेलने का भी मैदान कब्जे में लिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये विशेष मुद्दा है, इसी को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और तत्काल प्रभाव से कार्य को बंद करने के लिए आदेशित किया गया है उनको। और अगर ये 5 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो एक विशाल जन आक्रोश रैली के साथ नगर बंद और चक्का जाम किया जाएगा।
धन्यवाद। अमरकंटक में युवाओं के लिए एकमात्र ग्राउंड है और यहाँ पर निर्माण कार्य जो चल रहा है, इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हमारा जो ग्राउंड है, शासन प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि हमारे ग्राउंड को सुरक्षित किया जाए। अपना जो काम कर रहे हैं, जो भी काम यहाँ पे हो रहा है वो करें, हमको इससे कोई वो नहीं है। पर हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल के जो लड़के हैं, इस ग्राउंड पे बचपन से खेल रहे हैं और भी छोटे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खेलेंगे। हम ये चाहते हैं शासन से कि अपना काम करें, लेकिन हमारा कम से कम ग्राउंड तो छोड़ दें। हमारा एकमात्र ग्राउंड है अमरकंटक में, हमारी जान है, हमारी माँ है। अगर कोई हमारी माँ से अगर जुदा करे तो हमको या किसी को कैसा लगेगा? हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। तो शासन प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि कम से कम हमारा ग्राउंड छोड़ दें। और अन्य प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे हमारे खेलने के अलावा भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मेला भी यहाँ पर लगाया जाता है इस ग्राउंड के अगल बगल। तो जिस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा ग्राउंड खतरे पर है। तो हम सभी युवा वर्ग, जितने भी खिलाड़ी बंधु हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड को सुरक्षित रखा जाए और बाकी उनका जो काम है अपना करें। हमको इससे कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। पर हम प्रार्थना करते हैं शासन से कि हमारा युवा पीढ़ी नशे पे न जाए, खेल में ध्यान रखे और अपने आने वाले कल को बेहतर करे, इसका हम शासन से मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार बर्मन।